इस सोल स्टिल हाइडिंग स्ट्रेटजी ऑफ कोर्स बहुत सारी है सोल के पास, छुपा के रखनी पड़ती है ताकि ये जो टीम्स के कोच वोच करते वो रीड करके पूरा एकदम फील्डिंग ना लगा ले। थैंक्स गोट हो जाए गाइस एक बार चैट में, अपनी चैट में भी। और गाइस थोड़ा सा आज से ना प्लेयर्स को ज्यादा क्रेडिट दो, मेरे को क्रेडिट इतना मत दो क्योंकि वो लोग आगे का पूरा एकदम बैक टू बैक देख रहे हैं। थैंक्स गोट करा करो, पूरी टीम को क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल गॉब्लिन अक्षत ओमेगा हेक्टर, ऐसे वैसे हेक्टर का क्या है इसमें, एच तो है ही नहीं। थैंक यू अमन भाई एंड अमित भाई। गाइस अमित भाई ओपी कर दो गाइस चैट में, अमित भाई को बहुत ज्यादा क्रेडिट दो क्योंकि अमित भाई ने बहुत सारी चीजें ये टीम को बनाने में बहुत हेल्प करी है। मतलब बनाने में नहीं, उसके बाद में जो मेन चीजें होती है जो टीम को एकदम छोटी छोटी गलतियों को एनालाइज करके उनको बताना। अमित भाई एक बार चैट में ओपी कर दो। और आपको मैं अमित भाई की थोड़ी सी आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। अमित भाई जो है एक IGL थे जो की इंडिया को सबसे पहले रिप्रेजेंट करे थे पबजी पीसी में। याद है आईफ्लिक, अगर आपको पबजी पीसी के प्लेयर के बारे में बताओ, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते, उसमें अमित भाई IGL थे उनके। टीएसएम वाले स्ट्रीम पे बोल रहे थे सोल को किल नहीं देने, चाहे दूसरी टीम से मर जाए। हाँ तो ये तो स्ट्रेटजी है, इसमें कोई सीन ही नहीं हर्ष भाई, नहीं तो हम भी करते। जो टीम अगर हमारे आसपास चल रही, हम भी यही सोच रहे थे। लास्ट तीन गेम जो थे उसमें 5 टीम ऐसी थी जिसका बफर चल रहा था, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ये टीम से नहीं मरना, ये टीम से मर जाए तो चलेगा, ये टीम चिकन निकाल जाए तो चलेगा, ऐसा सीन। आपको कुल मिला करके खुद को ऊपर आना है, तो उसके लिए आप कॉम्पिटेटिव में किस हद तक जा रहे हो वो डिपेंड करता है। भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट इवेंट में, होपफुली इतना ही खुशी मिले, दोबारा से इतनी ही खुशी मिले, इससे ज्यादा मिले। और अगर #1 वाली अगर उदास मिलेंगे एज यूजुअल अगले दिन आ जाएंगे, उदास या तो खुशी, या तो उदास या खुशी, जाएंगे कहीं नहीं, हेटर्स ही चला के जाएंगे पूरी। क्या करोगे? दोबारा बोल। अच्छा बोला, एक बार बोल। जाएंगे कहीं नहीं, हेटर्स की जला के जाएंगे। ये बात बोली।